कैलिफोर्निया को एक बड़े सोशल एक्सपेरिमेंट लीगलाइज्ड मैरिजुआना का केंद्र कहा जा सकता है। इसके हिमायतियों का कहना है कि ये या तो दुनिया के सबसे बड़े मैरिजुआना ब्लैक मार्केट को लगाम लगा देगा या उसे खत्म कर देगा। पर अब 4 साल गुजर गए हैं और अब इसका गैर कानूनी कारोबार लीगल कारोबार के मुकाबले 3 गुना बड़ा हो गया है। वीड का ब्लैक मार्केट, ये तो बहुत अच्छा चल रहा है। आप एलए में कहीं भी जाइए, आपको कोई ना कोई वीड शॉप जरूर नजर आ जाएगी। ये हर जगह है। वीड शॉप्स के ग्रीन क्रॉसेस अब यहाँ पाम ट्रीज और टाको ट्रक्स जैसे ही आम हो गए हैं। पर जो दिखता है वैसा है नहीं। अच्छा, कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताइए जिन्हें आपने वीड बेची है। आपको मुझे उनका नाम बताना जरूरी नहीं है। मैंने ये चीज हर किसी को बेची है, अमीर हो या गरीब, बेघर लोग, डॉक्टर्स, लॉयर्स, रॉक स्टार्स, रैप स्टार्स, एथलीट्स। आप किसी से भी मेरा नाम पूछेंगी तो वो बता देगा। मार्केट में हर कोई मुझे जानता है। क्या ये सच है? हाँ। वो आपको किस नाम से जानते हैं? वो मुझे $5 ग्राम किंग के नाम से जानते हैं। और इसका क्या मतलब है? यानी लोग कम खर्च करके भी स्मोक कर सकते हैं। अगर किसी के पास ज्यादा पैसे नहीं होते हैं तो मैं उसे 1 ग्राम भी दे देता हूँ, 375 रुपए में। क्या इसमें आपको मुनाफा होता है? अगर 1 हफ्ते में ऐसे 1,000 क्लाइंट मिल जाए तो मुनाफा है। इस कार को ड्राइव कर रहा ये शख्स एनर्जी मुझे साउथ हेले की अपनी डिस्पेंसरी ले जा रहा है। मजे करिए। क्या हाल है दोस्त, कितना चाहिए? 1 ग्राम। यहाँ इसे तोला जाता है? हाँ, ये हुए 375 रुपए। 1 ग्राम 375 रुपए का है? हाँ, 375 का ही है। कैलिफोर्निया में टैक्स की दर 45% होने की वजह से 1 ग्राम वीड के लिए 1100 से 1500 रुपए तक देने पड़ सकते हैं। तो आप ये सोचकर हैरान हो रहे होंगे कि एनर्जी की डिस्पेंसरी में ये वीड इतने कम दाम पर कैसे बिक रही है। जवाब आसान है। यानी आपका बिजनेस इलीगल है? हाँ, टेक्निकली। कैलिफोर्निया ने 4 साल पहले 2016 में मैरिजुआना को लीगलाइज किया था, लेकिन इस राज्य की 80% तक डिस्पेंसरीज एनर्जी की ही तरह इलीगल है। ये उस 675 अरब रुपए के कारोबार का हिस्सा है जो इस लीगलाइजेशन के बाद पनपा और फला फूला है। और मैं पता लगाना चाहती हूँ कि सरकार का ये कदम गलत कैसे साबित हुआ। इलीगल मैरिजुआना के बारे में सोचते हुए आपको डिस्पेंसरीज का ख्याल नहीं आता? लोगों के लिए ये इलीगल है। इस लीगलाइज करने के बाद ब्लैक मार्केट और ज्यादा पनपा। कैलिफोर्निया में इस वक्त बिना लाइसेंस के चलने वाली डिस्पेंसरीज ज्यादा है। और आज आप वहीं छापा मारने वाले हैं? बिल्कुल। यहाँ एक और सर्विलेंस कैमरा है, दरवाजे के ऊपर लगा है। यहाँ ऐसी बहुत सी अंडरग्राउंड शॉप्स हैं। आप लाइसेंस लेना चाहते हैं? हाँ, क्यों नहीं, पर ये आसान नहीं है। इनमें से कई लोग लाइसेंस लेना चाहते थे, पर ये इतना आसान नहीं है। अल्कोहल के मुकाबले इस चीज पर टैक्स 3 से 4 गुना ज्यादा है। लीगलाइजेशन आसान नहीं है। हमारे पास इतना पैसा नहीं है, लाइसेंस की फीस बहुत ज्यादा है। अपना धंधा शुरू करने वाले के लिए ये बहुत मुश्किल है। एनर्जी जैसे किसी शख्स को सामना करना पड़ता है पेचीदा नियमों का, और इसके अलावा जरूरत पड़ती है ढेर सारे कैश की। किसी जगह को लेने के लिए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, लाइसेंस की मोटी फीस होती है और जगह का किराया भी। लोन मिलना भी आसान नहीं होता,
क्योंकि कैनाबिस अभी भी फेडरली इलीगल है, तो बैंक पैसा नहीं देते। और इतनी कैपिटल तक किसकी पहुंच नहीं होती, जानते हैं? इस देश में अपनी हिस्ट्री पर नजर डालें तो पता चलता है कि हमारे लिए कुछ खास नहीं किया गया। मैं सच कह रहा हूं। जिन कम्युनिटीज को कैनाबिस से जुड़े अपराधों के लिए जेल में डाला गया, उन्हें ही इसके लीगल मार्केट से दूर रखने की कोशिशें भी हो रही हैं। आंकड़े बताते हैं कि कुल 187 डिस्पेंसरीज में से सिर्फ 3 के मालिक ही ब्लैक लोग हैं। क्या पूरे एले में? हाँ। तो क्या इसीलिए इतने सारे लोग ब्लैक मार्केट से जुड़ना पसंद करते हैं? हाँ, क्योंकि ये काफी आसान है। लेकिन मैरिजुआना के साथ इतना पैसा जुड़ा होने के कारण ये अपना धंधा बंद नहीं करना चाहते। फिलहाल हमारा मिशन है कि हम सर्च वारंट सर्व करें, कैनबिस को जब्त करें और उससे होने वाले मुनाफे को भी। यानी सरकार अब इनके पीछे पड़ गई है। पुलिस, सर्च वारंट। और वो लीगल सेल्स के जरिए मिलने वाले टैक्स के एक हिस्से का इस्तेमाल करके इन गैर कानूनी दुकानों को बंद करने की कोशिश में है। यकीन मानिए, मुझे कुछ खास मुनाफा नहीं हुआ यहाँ पर रहकर। लेकिन पुलिस की छापेमारी जारी है। आज इन्होंने ऐसी 3 इल्लीगल डिस्पेंसरीज पर छापा मारा है, आपके हिसाब से और कितनी है? हजारों, कई हजारों। डकैतियां और चोरियां भी बढ़ती जा रही हैं। इन लोगों के पास हथियार थे। इन्होंने एक एम्प्लॉई के सर पर गन तान दी और उसके बाद ये इस वर्कर को डरा कर लाखों रुपए लेकर फरार हो गए। यहाँ डकैती डालने की कोशिश हुई थी तो मुझे गन के जरिए इन लोगों का सामना करना पड़ा। यहाँ लोगों ने छत के जरिए दीवारों से होकर भी घुसने की कोशिश की है। इसीलिए आपने यहाँ सर्विलेंस कैमरास लगवाए हैं। जी हाँ। अचानक बाहर से एक आदमी अंदर आता है और फायरिंग शुरू कर देता है। ये लोग किसी तरह से अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं। ये जगह बुलेट प्रूफ है, कंट्रोल्ड एक्सेस वाली है। मेरे यहाँ डकैती हो चुकी है और लोग घर में जबरन घुसे भी हैं। मुझे बांधा गया और कपड़े भी निकाल दिए गए उसके बाद। सच में? हाँ, वाकई। अजीब बात ये है कि इन डिस्पेंसरीज के साथ होने वाली ये गड़बड़ियाँ इस लीगलाइजेशन का एक अनचाहा नतीजा हैं। लीगल सप्लाई चेन मुकाबला कर रही है ब्लैक मार्केट ग्रोअर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स की एक समानांतर चल रही चेन के साथ। तो वो कौन लोग हैं जो इतना पैसा कमा रहे हैं और उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा? और यही बात मैं जानना चाहती हूँ। मैरिजुआना उगाने की एक जगह ऐसी है जिसका ख्याल भी कभी किसी को नहीं आएगा। ये है मोहावी डेजर्ट के बीच में। आप ऐसी रेड्स कितनी बार करते हैं? हर हफ्ते 3 से 12 सर्च वारंट्स पर काम करते हैं हम लोग। वाह, ये तो काफी है। क्रिमिनल्स भारी मांग को पूरा करने के लिए तय रफ्तार से ज्यादा तेजी से नहीं उगा सकते। खुशकिस्मती से मैरिजुआना एक वीड है और सही जानकारी के जरिए इसे कहीं भी उगाया जा सकता है। हम पहुंच गए? हाँ, पहुंच गए। ओके, हम पहुंच गए हैं। आप लोग ध्यान से आना, इनके पीछे पीछे चलना। शेरिफ डिपार्टमेंट सर्च वारंट, डिमांड एंट्री। शेरिफ डिपार्टमेंट सर्च वारंट। आगे बढ़ो। मूविंग अप। ट्रक क्लियर करो। क्लियर। Clear. Take it. Go, 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 go. Sheriff's Department search warrant. हम पीछे जा रहे हैं। Left center. यहाँ तो काफी पौधे हैं और इनमें से काफी तेज स्मेल आ रही है। इस समय ये ऑफिसर्स उन लोगों को ढूंढ रहे हैं जो यहाँ काम करते हैं। शायद वो यहाँ हो। यहाँ कोई नहीं है। शायद उन्हें आपके आने का पता चल गया होगा। हाँ, उन्होंने शायद हमें यहाँ पर आते हुए देख लिया होगा। हम पौधों की गिनती करेंगे, इन्हें काटेंगे और अपने ट्रेलर में लोड करेंगे और फिर अगली साइट की तरफ बढ़ जाएंगे। और रोज आपका यही काम होता? हाँ, है ये हमारा रोज का काम है। आज यहाँ तो कल कहीं और। पहले वीड उगाना एक जुर्म हुआ करता था, पर अब इसे एक मिसडिमीनर मानते हुए सिर्फ 37,000 का जुर्माना होता है।
तो कह सकते हैं कि लीगलाइजेशन से पहले के मुकाबले अब इस काम में डर कम हो गया है। सिर्फ इस लोकेशन में ही 6 गार्डन्स हैं और इस वीड की कीमत होगी करीब 3,75,00,000 रुपए। इसने 21वीं सदी के लिए एक नया वाइल्ड वेस्ट ग्रीन रश पैदा कर दिया है और हर कोई इसमें मुनाफा कमाना चाहता है। अगर कोई मारवाना उगाने में कामयाब हो जाए तो फिर समझो कि मुनाफा ही मुनाफा। वीड की अंडरग्राउंड सप्लाई चेन कुछ इस तरह काम करती है। पूरे स्टेट के ग्रोवर्स 3-4 महीने तक वीड को उगाते हैं, फिर उसकी फसल काट कर बाजार में लाया जाता है जहां इसके खरीदार होते हैं। आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये आधा किलो वीड है। हमें अभी एक GPS लोकेशन दी गई है, वहाँ हमें जिन लोगों से मिलना है उनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है मेरे पास। पता नहीं कहाँ जाने वाले हैं। मैं नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में वीड की खेती वाले मुख्य इलाके में जाने वाली हूँ। दावा किया जाता है कि वहाँ दुनिया की बेहतरीन वीड उगाई जाती है। ये जगह सच में कितनी खूबसूरत लग रही है, कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि यहाँ ऐसा गैर कानूनी काम भी हो सकता है, या फिर ये इस काम के लिए एक परफेक्ट जगह है। इन दूर दराज पहाड़ियों में कोई जान ही नहीं सकता कि सड़क पर आगे क्या कुछ होगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ रुकेंगे और किसी का इंतजार करेंगे कि वो आकर हमें ले जाए। हमें कैमरास नीचे रखने होंगे। मैंने अपने काम के दौरान कई बार ऐसी सिचुएशन झेली है जब मैं किसी कॉन्टैक्ट से मिलने जाती थी। ये काफी अकेली जगह है, मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ जा रही हूँ। ये देखो जरा, यहाँ लिखा है स्माइल योर ऑन कैमरा। मैं जिससे मिलने जा रही हूँ वो काफी असरदार है। वो है क्या? काफी आर्म्ड गार्ड्स हैं और शायद वो हमारी नियत पर भी शक कर रहा है। हाँ, शायद यही है वो। हाय, मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी अच्छा लगा, हमें बुलाने के लिए शुक्रिया। बड़ी पावर्स। लेकिन हमारा इंतजार कर रहे इस बॉस को देखकर मेरा शक दूर हो गया। वेलकम, चलते हैं। तो ये आपकी प्रॉपर्टी है, बहुत खूबसूरत है। बेशक, मैं काफी लकी हूँ। बड़ी इस ग्रैंड टूर की शुरुआत करते हैं। पहली नजर में आप वो सब कुछ भूल जाएंगे जो आपने यहाँ के बारे में सोचा होगा। चिल वाइब, एक्सेंट्रिक आर्ट और गांजा के प्रति गहरा लगाव भी। मैं बचपन से ही गांजा उगाता रहा हूँ। मैं 8वीं क्लास से ही पॉट बेचता था, पर इस काम को कुछ टाइम से ही मैंने सीरियसली लिया है। क्या कभी किसी ने आपको ये बताया कि आप द बिग लेबोस्की के डूड कैरेक्टर का यंगर वर्जन लगते हैं? हाँ, लोग ये कहते रहे हैं। पहले ये दिखा रहे हैं अपने गैराज के अंदर उगे ये पौधे। मेरे पास 148 पौधे हैं, इनकी कीमत होगी 2,70,00,000। क्या बात है, आपको आमदनी होती है 2,70,00,000 की सिर्फ इस कमरे से? सिर्फ यहाँ का मिला के। और फिर हम चले पीछे की तरफ। अरे वाह। बिल्कुल, हमसे एक वाइब्रेशन पैदा होती है जो ये पौधे हासिल करते हैं। मैं हमेशा एम्प्लॉयज से कहता हूँ, इन्हें छुओगे तो सोना बरसेगा। इनकी जितनी डालियों को छू सको छुओ। इन्हें छूते ही हम पॉजिटिव वाइब्स भेजेंगे और पौधे उतना ही सोना बरसाएंगे। इन्हें छुओगे तो सोना बरसेगा। लीगलाइजेशन के तहत बड़ी जैसे आउटलॉ ग्रोवर्स को 5 साल का ग्रेस पीरियड मिलने की उम्मीद जताई जा रही थी, ताकि बड़ी कंपनीज को लाइसेंस मिलने से पहले वो अपनी रोजी का इंतजाम कर सकें। क्या आप ये सोचकर खुश हुए थे कि वीड लीगलाइज हो रही है? बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था। पर क्यों नहीं? इससे मेरे जैसे लोगों का फायदा नहीं होता। लेकिन इन नियमों में एक लूप होल का फायदा उठाकर सिंगल ग्रोअर्स कई परमिट्स भी हासिल कर सकते थे। बड़े बिजनेस वालों ने बहुत सारी प्रॉपर्टीज खरीद ली और इस पूरे कारोबार को ही अपनी मुट्ठी में कर लिया। छोटे ग्रोअर्स उस स्केल का मुकाबला नहीं कर सकते थे, तो बड़ी जैसे करीब 60,000 आउटलॉ ग्रोअर्स में से चंद ही लीगल तरीके से ये कारोबार कर रहे हैं। ये कानून जिस तरह बनाया गया उससे हम सब परेशान हो गए, ये किसी कॉर्पोरेट टेकओवर जैसा था। मैंने वकीलों और परमिट्स वगैरह पर करीब 45,00,000 खर्च किए, तो पता चला कि अभी तो और भी बहुत सी कागजी कार्रवाई पूरी करनी होगी। ये हमें किसी ने बताया ही नहीं। यानी पुलिस यहाँ आकर कभी भी छापा मार सकती है, उनके आने की खबर नहीं मिलेगी। बिल्कुल। कैसा कभी हुआ है?
हाँ हुआ था, उन्होंने मेरी 100 एकड़ की प्रॉपर्टी पर रेड मारी, उससे मुझे करोड़ों का नुकसान हुआ और साथ ही पॉट भी गई। एक बार 2 किलो, फिर कभी 4 किलो। क्या ये सब देखकर आपको कभी नहीं लगा कि चलो कारोबार को लीगल कर लेते हैं? जी नहीं, मैं अपने टैक्सेस देता हूँ, बस ये पैसा IRS को नहीं जाता। जब उन्होंने मुझसे 1,88,00,000 रुपए लिए और 27 किलो पॉट जब्त किया तो ये टैक्स ही था। यहाँ बड़ी जैसे करीब 60,000 आउटलॉ ग्रोवर्स हैं, जिनमें से कुछ ही लाइसेंस हासिल कर चुके हैं। कई तो ये कारोबार छोड़ ही चुके हैं। वीड की मांग बढ़ रही है तो इस खालीपन को भरने के लिए कई खतरनाक मुजरिम इसमें शामिल हो रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इस बिजनेस का एक पहलू हमेशा गैर कानूनी रहेगा? जिंदगी एक सिक्के की तरह है, इसका एक पहलू रोशनी में तो एक अंधेरे में तो होगा ही। ग्रोवर्स का एक ऐसा ग्रुप भी है जो बाकी लोगों से ज्यादा पैसा कमा रहा है और इस ग्रुप के बारे में कम ही लोग जानते हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो ये है वो जगह? जी बिल्कुल। यहाँ पर आपको पर्दे लगाने होते हैं और उन पर्दों के पीछे आपको लगानी होती है प्लाईवुड, ताकि पड़ोसियों को सिर्फ पर्दे नजर आएं और आपकी ये जगह सबसे छुपी रहे। हाँ। ये किसी भी फैमिली का ड्रीम होम हो सकता है। यहाँ हर कहीं पानी के सोर्स हैं, तो वाटर पंप और टाइमर के जरिए पौधों को पानी देना आसान रहता है। लेकिन कुछ खरीदारों की नीयत कुछ और ही होती है। यहाँ पर सबसे ज्यादा पौधे उगाए जाएंगे। टॉम यू LAPD के एक पूर्व गैंग डिटेक्टिव हैं और वो इस तरह के सैकड़ों घरों पर रेड मार चुके हैं। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स की सबसे बड़ी एक्टिविटीज होती हैं घरों में मैरिजुआना उगाना। यहाँ कैलिफोर्निया के महंगे इलाकों में अपराधी घर खरीद रहे हैं सिर्फ वीड उगाने के लिए। इस तरह के लोग किसी की नजर में आना नहीं चाहते, इनका मकसद है सिर्फ पैसे कमाना। पेनल्टीज मामूली है तो वीड उगाने वालों के हौसले और बुलंद हुए हैं और इसके नतीजे में पुलिस का रेड मारने का काम और बढ़ गया है। हमें पड़ोसियों से कई शिकायतें मिली कि यहाँ से मैरिजुआना की स्मेल आती है। हमारा एक आदमी वहाँ गया तो उसे अंदर मौजूद इक्विपमेंट की आवाज भी आई। यानी आपको पूरा यकीन है कि अंदर मैरिजुआना उगाया जा रहा है? हाँ, मेरे साथ ही शायद ही कभी गलत खबर देते हो। जहाँ तक इनके आसपास जाने की बात है, क्या हमें सावधान रहना चाहिए? इन ग्रोअर्स के घरों में कई बार डकैती हो चुकी है तो इनमें से कई लोगों ने हथियार रखने शुरू कर दिए हैं, तो हम ये बात बराबर अपने दिमाग में रखते हैं कि ये लोग हम पर गोलीबारी भी कर सकते हैं। इसलिए बॉडी आर्मर पहना? हाँ, इसीलिए पहना है। ये ऑफिसर्स की पुलिस बॉडी कैम फुटेज है जो LA के बाहर मौजूद सैन बर्नार्डिनो काउंटी के एक घर में एक सर्च वारंट लेकर गए थे और ये ऐसी कई मिसालों में से एक है। जल्दी चलो, पुलिस! पूरे कैलिफोर्निया में ही पुलिस करोड़ों अरबों की मैरिजुआना पैदावार को बर्बाद करने में जुटी है। ग्रीन हाउस कहे जाने वाले इन कमरों में सैकड़ों पौधे मिले हैं और ये सब हैं रिहायशी बस्तियों के बीच में। सिर्फ इस एक सड़क पर ही पुलिस को ऐसे 7 घर मिले हैं जहां वीड उगाई जा रही थी। यहां रहने वाले लोग नहीं चाहते कि इनके घर के आसपास ऐसे घर हो जहां मैरिजुआना उगाई जाती हो, क्योंकि बच्चे वहां खेलते हैं। यहाँ पर रॉबरीज असॉल्ट्स अक्सर होते रहते हैं। इस तरह के घरों में हमने कत्ल होते देखे हैं, अपहरण की वारदातें भी होते हुए देखी हैं, वो भी कई बार। पॉट उगाने वाले किसी घर में बहुत ज्यादा बिजली भी इस्तेमाल होती है। यहाँ काम चलाओ इलेक्ट्रिक वायरिंग के लिए दीवारों में सुराख मिले और एक बाईपास सर्किट ब्रेकर भी। इस जुगाड़ से ये 1 साल में करीब 75,00,000 रुपए तक की बिजली बचा लेते हैं। ये बिजली का बिल किसी अपार्टमेंट से भी कम देते हैं। लेकिन इससे भी हैरानी की बात यह है कि इस इलीगल वीड को उगा कौन रहा है? हमने एशिया के 2 सस्पेक्ट्स पकड़े हैं, दोनों ही चाइना से हैं। लीगलाइजेशन के बाद से पुलिस ऐसे बहुत से ग्रो हाउसेस पर छापे मारती रही है जिन्हें ऑपरेट कर रहे थे चाइनीज सिंडिकेट्स। ऑफिसर्स ने 2 चाइनीज नागरिकों को घर से गिरफ्तार किया है। मैं तो ये कहूँगा कि घरों में वीड उगाने वाले 99.9% लोग या तो चाइनीज नेशनल्स हैं या क्रिमिनल एंटरप्राइजेस हैं। ये स्टोरी जुड़ी है ड्रग्स, गन्स, करोड़ों की रकम और एक रॉकेट लॉन्चर से। हमें हर तरह के हथियार मिले हैं, चाहे AR-15 हो, AK-47 या फिर ट्रेडिशनल सेमी ऑटोमेटिक हैंडगन वगैरह। ये सिंडिकेट वाले वर्कर्स को यहाँ लाते हैं, उन्हें कोई नया घर खरीद कर देते हैं और जब तक कर्ज चुकता नहीं हो जाता उन्हें वीड उगाने के लिए मजबूर करते रहते हैं। ये लोग यहाँ गुलामों की तरह काम करते हैं और जब नीचे वाले लोग पकड़े जाते हैं
तो उनके बॉसेस सब भूलकर अगले वेंचर के लिए निकल जाते हैं। बदकिस्मती से ऐसे 90% मामलों में बॉसेस पकड़ में नहीं आते, वो इस सबसे बच निकलते हैं। आपको लगता है ऐसी जगहें वजूद में आती रहेंगी? हाँ बिल्कुल, मैरिजुआना के लीगलाइजेशन के बाद इसकी मांग में बढ़ोतरी हुई है, तो इसकी सप्लाई आएगी कहाँ से? ये आएगी डिस्पेंसरीज से या इस तरह के कारोबार से, क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड से? बिल्कुल। हालांकि चाइनीज गैंग्स काफी बड़े प्लेयर्स हैं, पर मैं देखना चाहती हूँ कि सबसे बड़े प्लेयर्स कैसे ऑपरेट करते हैं। मुझे बताया गया है कि सबसे बड़े ब्लैक मार्केट ग्रोअर्स भी अमेरिका से नहीं हैं। ये हैं मैक्सिकन कार्टेल्स और इसे उगा रहे हैं हमारे नेशनल फॉरेस्ट्स में। आपको लगेगा कि मैक्सिकन कार्टेल्स वीड को स्मगल करके बॉर्डर पार अमेरिका लाते हैं, पर सच ये है कि वो इसे यहीं की जमीन पर उगा रहे हैं। अजीब बात है कि लीगलाइजेशन ने इन लोगों को कैलिफोर्निया में धंधा चलाने के लिए सुरक्षित माहौल मुहैया करा दिया है। हम एक ऐसे इलाके की तरफ जा रहे हैं जहां कार्टेल की उगाई काफी वीड दिखी है। यहां जमीन मुफ्त और असीमित है। ये है हमारे नेशनल फॉरेस्ट। ये लोग बस एक बार में दो लोगों को ही उतार रहे हैं, ये शायद ऐसे ही काम करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर इन्होंने पूरी पहाड़ी पर पौधे लगाए। आजकल अगर आप किसी हाइक पर जाएं, तो हो सकता है कि करोड़ों रुपए के किसी ड्रग ऑपरेशन से आपका सामना हो जाए। ओके, आपको इस तरफ आगे नहीं जाना है, समझे? ठीक है। लोग अब यहाँ अपने बच्चों को नहीं लाते हैं क्योंकि उनका सामना गन वाले कार्टल मेंबर से हो गया था, तो उन्हें बच्चों की सेफ्टी को लेकर खतरा रहता है। ओह वाओ। अब देखिए, इन लोगों ने इस कवर के नीचे पौधे उगा रखे हैं जिससे यहाँ पूरा जंगल पनप गया है। और यहाँ आकर इन्हें उगाता कौन है? यहाँ आपको जो भी जंगल नजर आ रहा है वो सब मैक्सिकन्स ने लगाया है। मैंने इस जगह पर मैक्सिकन्स के अलावा कभी किसी और को नहीं देखा है। एक अंदाजे के मुताबिक कैलिफोर्निया की कुल ब्लैक मार्केट वीड का कम से कम 40% हिस्सा इसी तरह की सरकारी जमीनों पर उगाया जाता है। ये देखिए, यहाँ पर कार्बोफ्यूरिन की बोतल पड़ी हुई है, यहाँ स्कल और क्रॉसबोन्स भी हैं। ये बहुत जहरीला केमिकल है, इसलिए अमेरिका में बैन है। ये लोग एनवायरमेंट को बर्बाद करते हैं, जानवरों की जान लेते हैं और जहरीले केमिकल भी छोड़ जाते हैं। ये इस जहर का इस्तेमाल जानवरों को मारने के लिए करते हैं ताकि वो पौधों को खाना। ये कार्बोफ्यूरिन को पानी में मिला देते हैं। ये इतना जहरीला होता है कि इसकी जरा सी मात्रा एक बड़े भालू की जान ले सकती है, तो अगर हम ये पानी पी लेंगे तो समझो हम तो गए। निगरानी और एक्शन इतना होने के बावजूद स्टेट में पैदा होने वाली वीड की सिर्फ 20% उपज ही नष्ट हो पाती है। आप यहाँ ऊंचाई से पूरी वादी को देख सकते हैं और साथ ही अलग अलग जगह होगी मैरिजुआना को भी। वहाँ एक है, वो देखिए वहाँ पर और उस जगह। Oh my God, ये तो इसे छिपाने की कोशिश भी नहीं कर रहे। क्या इन लोगों के पास हथियार होते हैं? हाँ, ये वाकई आर्म्ड होते हैं। कई हाइकर्स और हंटर्स पर गन तान दी गई थी और कई बार उनसे उनका सामान छीन लिया गया। छापों के दौरान भारी हथियारों से लैस ग्रोवर्स मिले हैं। AK-47 से गेम वार्डन की दोनों टांगों में गोली मार दी गई। हिलना मत, झुके रहो। एल्डोराडो काउंटी शेरिफ्स डिप्टी के कत्ल का मामला हैरान कर रहा है। इन ऑपरेशंस की वजह से प्रोडक्ट और कैश की जो बड़ी मात्रा पैदा हुई है उसने जन्म दिया हिंसा को। ये मामला काफी डरावना होता जा रहा है। इस सिचुएशन का सामना करने के लिए कैलिफोर्निया में जो कानून पास किए गए हैं उनसे हालात सुधर सकेंगे ये सोचना महज कोरा सपना है। अमेरिका की सरकारी जमीन पर गैर कानूनी वीड उगाकर जो मुनाफा हासिल किया जा रहा है उससे कार्टेल्स अपनी ऑपरेशन चलाते हैं। ये लोग मेक्सिको के बॉर्डर के साथ साथ और अब हमारी जमीन पर भी जो खून खराबा करते जा रहे हैं उसका सारा पैसा मैरिजुआना से आता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये काम कौन कर रहा है, मैक्सिकन कार्टेल्स, चाइनीज होम ग्रोवर्स या बड़ी जैसे आउटलॉज। इस खेल में सप्लाई चेन की सबसे खतरनाक अगली कड़ी है डिस्ट्रीब्यूशन।
जब लाखों करोड़ों कीमत का प्रोडक्ट और कैश एक ही वक्त पर एक ही जगह पर होते हैं। तो आपको लगता है कि यहाँ पर वीड का बिजनेस हो रहा है? हाँ बिल्कुल, मैं जिस डिस्ट्रीब्यूटर के लिए काम करती हूँ वहाँ एक ही लोकेशन से लोग एक ही दिन में 10 किलो से भी ज्यादा वीड बेचते हैं। मैं एक कॉन्टैक्ट से एक ऐसे इलाके में मिलने जा रही हूँ जो इस लेडी के मुताबिक इस स्टेट में चलने वाले अरबों रुपए के ब्लैक मार्केट का केंद्र है। कमाल की बात यह है कि जिस जगह पर ये कारोबार चलता है वो यहाँ की अदालत से कुछ ही दूरी पर है। अपने बिजनेस में मिलने वाले लोग मुझे बताते हैं कि उनके डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर शहर के अंदर मौजूद है। इन्हें हमने नाम दिया है सैरा। सैरा यहाँ के डिस्ट्रीब्यूशन वेयर हाउसेज में बतौर एक ट्रिमर काम करती हैं। इनमें से कुछ लीगल हैं और कुछ नहीं, इसलिए हमने इनकी पहचान छिपाई है। हम जॉर्ज से मिलने जा रहे हैं, वो इस काम से जुड़ा एक बड़ा खिलाड़ी है। वो एक दिन में करोड़ों का माल इधर से उधर करता है। सच में? जी हाँ, एक दिन में करोड़ों का कारोबार। ये बड़े खिलाड़ियों में से एक हैं, पर इतना रिस्क होने के बावजूद सारा का कॉन्टैक्ट आधे अधूरे मन से हमसे मिलने को राजी हो गया है। तो तुम कितने वक्त से कोशिश कर रही हो कि वो हम लोगों से मिलने के लिए राजी हो जाए? करीब 2 महीने से। क्या जॉर्ज ने तुम्हें ये भी बताया कि हम क्या शूट कर सकते हैं और क्या नहीं? एक प्री मिक्स्ड वोकल चेंजर की बात कही है। तो वो चाहते हैं कि इस एपिसोड के दौरान उनकी वॉइस को बदला जाए और साथ ही रिकॉर्डिंग के दौरान भी ऐसा ही किया जाए। बिल्कुल, हमें ऐसा करने के लिए किसी ने पहली बार कहा है। हाँ, इस इंडस्ट्री के लोग डरते हैं, उनका टेक्स्ट आया है, हमें उनसे फौरन मिलना होगा। ओके। मुझे थोड़ा डर लग रहा है। ये वीड का डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है क्या? हाँ, यहाँ पर हम आपस में मिलते हैं और यहीं पर वीड के सैंपल रखे जाते हैं और फिर जो खरीदार आते हैं वो उसे देखते हैं। मैं एलए के एक डिस्ट्रीब्यूशन वेयर हाउस में पहुंच गई हूँ और इस जगह को मेरुआना ब्लैक मार्केट का केंद्र माना जाता है। कारोबार के एक बड़े खिलाड़ी से मिल रहे हैं। मेरी जानकारी के अनुसार ये रोजाना करीब 7.5 करोड़ से भी ज्यादा के प्रोडक्ट का लेन देन करते हैं। देखते हैं क्या बात होती है। ओके, आप तैयार हैं? हाँ। तो मैं इस वक्त एक खाली कमरे में हूँ और इस टेबल पर करीब 4 किलो वीड की अलग अलग वेराइटीज रखी है। जॉर्ज, मैं कैमरा के सामने बस बता रही हूँ कि यहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि सिर्फ मेरा यहाँ होना थोड़ा अजीब लगेगा। जॉर्ज अपनी असली आवाज को रिकॉर्ड नहीं करवाना चाहते। जॉर्ज आपको नजर नहीं आएंगे, वो कैमरा पर नहीं आना चाहते हैं, पर मेरे माइक की वजह से वो मुझे सुन पाएंगे। तो हम एक वॉइस चेंजर के जरिए उनकी आवाज बदल रहे हैं। अगर मैं कोई खरीदार होती तो जब मैं यहाँ आती तो मेरे सामने इन बैग्स में कई सैंपल्स होते, तो खरीदार इन्हें सूंघते हैं, शायद स्मोक करके भी देखते हैं। कुछ स्मोक करके भी देखते हैं, पर ज्यादातर इसे स्मेल के जरिए और इसे देखकर ही पहचान जाते हैं और फिर वो अपना ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। हाँ। यहाँ टेबल पर मौजूद है हाई एंड एग्जॉटिक इंडोर और आउटडोर वीड की वैरायटीज। हर 450 ग्राम के बैग में करीब 1.5 लाख से 3 लाख रुपए की वीड है। अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर कितने का मिला है? वैसे बड़े ऑर्डर्स तो 100 किलोग्राम से भी ज्यादा के हो सकते हैं। इतने साइज का सिर्फ एक ऑर्डर करीब 7.5 करोड़ रुपए का हो सकता है। इस इलीगल वीड से कितने की कमाई हो जाती है? बेहिसाब, कोई हिसाब नहीं है। मैं कैमरा के आगे इस बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, बिल्कुल नहीं। मैंने ज्यादा न कुरेदने का फैसला किया। तो जॉर्ज, आप सिर्फ इसका ब्लैक मार्केट बिजनेस ही करते हैं या फिर आप लीगल बिजनेस में भी हैं? लीगल भी करता हूँ। अच्छा, लीगल भी करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि आप अपने लीगल कारोबार
और इल्लीगल कारोबार की तुलना करें तो ज्यादा कमाई किसमें है? देखिए, टेक्निकली मुझे अभी तक लीगल बिजनेस से कोई मुनाफा नहीं हुआ है। क्या बात है। सरकार की फीस, टैक्स और नियम वगैरह बहुत ज्यादा है, कई बाधाएं हैं, इंस्पेक्शंस, किसी भी और बिजनेस के मुकाबले यहाँ सख्ती 10 गुना ज्यादा है। मैं चाहता हूँ कि अल्कोहल के बिजनेस में भी ऐसी ही सख्ती बरती जाए। तो अगर लीगल कारोबार से कमाई ही नहीं हो रही है तो आप इसे क्यों चला रहे हैं? मुझे इससे लगाव है। कोई आर्टिस्ट पेंट क्यों करता है या फिर कोई सिंगर गाता क्यों है? मैं बस किसी तरह इस बिजनेस से जुड़े रहने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि बड़े बिजनेस सारे ओरिजिनल लोगों का सफाया ना कर दें। आप मेरे साथ यहाँ बैठने में ही कंफर्टेबल नहीं है तो बताइए कि आपके मन में इतना डर और अविश्वास क्यों है? यह हमारे कल्चर का ही एक हिस्सा बन गया है। आप लोगों पर भरोसा नहीं कर सकते और ऐसा होता है पैसे के लालच की वजह से, और जब लोगों के मन में लालच आ जाता है गड़बड़ी हो ही जाती है। क्या आपके पास गन है? हाँ, मेरे पास गन्स हैं। यहाँ तो अक्सर रॉबरीज होती रहती हैं। अगर आपको कभी लूटा जा रहा हो तो गन यूज करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचता है। ओके, लगता है हम पहुंचने वाले हैं। हमारे लिए लोगों से कुछ कहलवा पाना बहुत ही मुश्किल साबित हुआ है, पर हमें शहर की लोकेशन भेजी गई है और हम वहां जाकर किसी से मिलने वाले हैं। मुझे नहीं पता कि वहां कौन मिलेगा कौन नहीं। जॉर्ज के उलट, जो कानूनी और गैर कानूनी दोनों तरह के काम करते हैं, ये नया शख्स पूरी तरह गैर कानूनी एक डिस्ट्रीब्यूशन वेयर हाउस चलाता है। इसका नाम है ट्रैप हाउस और ये यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। ये जगह आ गई है क्या? मुझे सिर्फ इससे मिलने वाली जगह के बारे में ही पता चला है। शायद जगह आ गई है, ये मुझे पार्किंग लग रही है। पहली नजर में यहाँ कुछ भी अजीब नहीं लगता। हम सही जगह पर तो आए हैं ना? पर ऊपर पहुंचने के बाद मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। कॉन्टैक्ट से मिल रही हूँ जो एक ट्रैप हाउस चलाता है और वीड ब्लैक मार्केट में थोक में धंधा करता है। ये बड़ी अजीब जगह है। और पता चला कि ये जगह सिर्फ एक मीटिंग पॉइंट नहीं है। वो हमें देख रहे हैं। मैं कैमरा नीचे कर लेती हूँ। ये ही है ट्रैप हाउस। हेलो, कैसे हैं आप? मरियाना, नाइस टू मीट यू। डाउनटाउन एलए में इस पार्किंग गैराज के ऊपर करोड़ों की इल्लीगल वीड का कारोबार होता है। आप तो काफी खूबसूरत हैं। थैंक यू। आपकी बात सुनकर मुझे शर्म आ रही है। आप मेरे साथ डेट पर चलेंगे? पहले सवाल जवाब हो जाए फिर देखते हैं। ठीक है, ठीक है। ओके, तो ये पूरी आपकी जगह है? हाँ, कह सकते हैं। ये अपने धंधे को इस तरह खुले में चला रहे हैं। मुझे हैरानी है कि ये कैसे हो सकता है। ये बताइए, आप ये सब कर क्यों रही हैं? मैं ये क्यों कर रही हूँ? हाँ, आप पुलिस तो नहीं हैं? नहीं, मैं पुलिस से नहीं हूँ। या फिर DEA? नहीं, वहाँ से भी नहीं हूँ। लेकिन बातचीत के दौरान इन्होंने ऐसी जगह के फायदे के बारे में बताया। तो ये आपके एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर जैसी जगह है? ये बिजनेस एक ब्लैक मार्केट मॉडल पर बेस्ड है। इसे आप कह सकती है एक ग्लोरिफाइड ट्रैप हाउस। इसे आप वीड का सुपर स्टोर कह सकते हैं। बड़ी सी पार्किंग, बल्क परचेजेस और ढेर से फ्री सैंपल। तो लोग यहाँ आते हैं और वो देखते हैं कि कस्टमर्स आप लोगों से वीड खरीद रहे हैं। हाँ, लोग यहाँ आते हैं और वो हमें अपने फंड्स और कैपिटल देते हैं, और जाते वक्त उनके पास होते हैं कुछ शानदार फूल और प्रोडक्ट्स। वीड पूरे कैलिफोर्निया में उगाई जाती है बड़ी जैसे आउटलॉज, मेक्सिकन कार्टेल्स और चाइनीज सिंडिकेट्स द्वारा, और वो सब इस तरह के अंडरग्राउंड डिस्ट्रोस के जरिए आगे पहुंचती है। तो यहाँ रोजाना कितने का कारोबार होता होगा? बस खर्च निकल जाता है,
कुछ खास नहीं मिलता। मतलब सिर्फ खर्च निकलता है या कुछ कमाई भी होती है? जरा बताओ हमारी कितनी कमाई हो रही है? 5 करोड़ हर हफ्ते। क्या आप बात कर रहे हो, ये सच है? अरबों रुपए की इस इंडस्ट्री में मैं तो बस अपनी चोंच गीली कर रहा हूँ। ये वाकई बहुत ही मामूली रकम है। इनकी शेल्व्स में ऐसे बैग्स भरे पड़े हैं जो ब्रांड नेम्ड मरवाना जैसे लगते हैं। इनमें से कुछ वैसे ही हैं जिन्हें मैंने लीगल डिस्पेंसरीज में बिकते देखा है। हमारे पास इसे कंफर्म करने का कोई जरिया नहीं है, पर इनके मुताबिक ये असली है। और अगर ऐसा है तो खरीदारों को दुनिया की बेहतरीन वीड यहाँ बहुत ही कम दाम पर मिल रही है। तो आप जो वीड यहाँ बेचते हैं वो जाती कहाँ है? देखिए मुझे नहीं पता, मैं किसी से कोई सवाल नहीं पूछता हूँ। देखिए अगर वो इतनी बड़ी मात्रा में इसे खरीद रहे हैं तो शायद वो इसे बेच रहे होंगे, है ना? हाँ, ब्लैक मार्केट बिजनेसेस ऐसा ही करते हैं। जैसे कि स्पोर्ट शूज, आप जिस दाम पर खरीदते हैं उस पर नहीं बल्कि बढ़ाकर बेचते हैं। सप्लाई चेन में ये एक ऐसी जगह है जहाँ डीलर्स अपनी वीड बल्क में खरीदते हैं और फिर इसे आगे खरीदारों को बेचते हैं। हम जब यहाँ आ रहे थे तो हमने देखा कि जगह जगह पर लोग खड़े हैं, तो ये आने जाने वालों पर नजर रखते हैं। हाँ, अपनी हिफाजत का तो ध्यान रखना ही पड़ता है। अब क्या ये आपके पीछे आपका सिक्योरिटी गार्ड है? नहीं। पीछे खड़े उस शख्स के हाथ में गन है क्या? वो गन नहीं है। सच में गन नहीं है? वो गन नहीं है तो और क्या है? मुझे नहीं पता। अच्छा, पर एक बात बताना चाहूंगा। हाँ जरूर। यहाँ सेफ्टी का इंतजाम है, अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो फिर उसका भी इलाज किया जाता है। समझ गई। ओके, दोबारा नहीं पूछूंगी आपसे। आप बहुत स्वीट है, मुझे पता था आप कमाल की हैं। तो चलिए किसी दिन हम दोनों एक डेट पर चलते हैं, क्या कहती हैं आप? मैंने इनसे पूछा कि क्या मैं किसी खरीदार से बात कर सकती हूँ, पर ये अपने किसी पोटेंशियल क्लाइंट को खोने का खतरा नहीं उठा सकते। क्या आप अपने कारोबार को लीगलाइज करना चाहेंगे कि आप इसे कानूनी तरीके से चला पाएं, या ब्लैक मार्केट ही ठीक है? नहीं, मैं लीगल होना चाहूंगा। तो अगर आप पकड़े जाते हैं तब क्या होगा? वो मुझ पर रीको चार्ज, किंग पिन चार्ज लगा देंगे और फिर मुझे 20-30 साल के लिए जेल में डाल देंगे। पुलिस आपको ना भी पकड़े तो भी इस बिजनेस में काफी रिस्क है। इस कारोबार में रिस्क क्यों है? बिकॉज़ फायर पावर, गन्स। इस बिजनेस में कोई रूल्स नहीं है, जिसके हाथ में पावर उसी की चलती है। इस ऑपरेशन के इतने बड़े साइज को देखने के बावजूद एक सवाल अब भी बना हुआ है, इतनी वीड खरीद कौन रहा है और ये जा कहां रही है? मेरे एक सवाल का जवाब अब भी नहीं मिला है, तो मैं अपने एक पुराने कनेक्शन के पास जा रही हूँ। तो मैं एलए में एक शख्स से मिलने जा रही हूँ जो गन्स, फेंटेनिल, मेथ और दूसरी ड्रग्स की ट्रैफिकिंग करता है। यहाँ सब जगह पुलिस है। मुझे तो यहीं से इसकी स्मेल आ रही है, है ना? हाँ मैडम। मैं पूरे स्टेट में सप्लाई चेन की खोजबीन करती रही हूँ। अब मैं जानना चाहती हूँ कि सारी वीड जा कहाँ रही है। तो यहाँ पर ये सब क्या है वन? ये यहाँ क्रिस्टल मैथ है। ये 450 ग्राम है? हाँ तकरीबन 450 ग्राम है। यहाँ कुछ अलग अलग तरह के मैरिजुआना भी हैं, यानी यहाँ हर चीज थोड़ी थोड़ी रखी है। आप 10 साल से इस कारोबार में हैं, किस चीज से ज्यादा कमाई हुई? मैरिजुआना से। ये कहाँ से मिली आपको? अलग अलग सोर्स हैं, बता नहीं सकता। आप इसे उगाते हैं या खरीदते हैं? हम खरीदते हैं बल्क में। और फिर आप इसे पैक करते हैं, ये आपकी पैकेजिंग है? बिल्कुल। और फिर इसे बेचते हैं? हाँ, ये पैकिंग करीब 28 ग्राम की है। ओह, इसकी स्मेल तेज है। हाँ, तो ये बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। एक्सक्यूज मी, शायद कोई आया है, अभी आता हूँ। कोई क्लाइंट है? हाँ, कस्टमर। हाँ मैडम, अंदर आ जाओ। आप कैसे हो दोस्त? मैं बढ़िया, तुम सुनाओ क्या चल रहा है? कैसे हैं आप? बढ़िया। आप लोग प्लीज माइंड मत करना, ये एक डॉक्यूमेंट्री बना रही है। ठीक है, आप लोगों ने तो पहले ही मास्क लगा रखे हैं तो कोई डर की बात नहीं है। कोविड की वजह से ये मास्क। बढ़िया, वाह। तो आप लोग एलए में रहते हैं? नहीं नहीं। तो फिर आप कहाँ से हैं? हम साउथ साइड रहते हैं, ब्रुकलिन की। कहाँ से? साउथ साइड ब्रुकलिन। आप न्यूयॉर्क से हैं? जी हाँ। तो आप वीड खरीदने कैलिफोर्निया इतनी दूर आए हैं? हाँ बिल्कुल। क्या वाकई? हाँ। This is Lebanon,
जरा लाइटर देना। हकीकत ये है कि कैलिफोर्निया में उगने वाली 80% वीड इस स्टेट से बाहर वाले कंज्यूमर्स इस्तेमाल करते हैं। तुम मुझसे कुछ सवाल पूछना चाहती थी हा? तो आप लोग इसे फ्लाइट से लेकर जाएंगे या कार से? पर है। कुछ भी। मेरा दिमाग तो घूम गया। तो आप फ्लाइट पकड़ेंगे? करेंगे। टेलीपोर्ट। टेलीपोर्ट। यानी आप जवाब नहीं देंगे? बस ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। ये कहीं वीड का असर तो नहीं है? शायद। वीड को एक स्टेट से दूसरे में ले जाना जुर्म है। जोखिम नहीं तो मुनाफा नहीं। मेरी बात समझ रही ना आप? इनकी वीड की मंजिल होती है ये रहा सामान। ऐसे स्टेट्स जहां वीड आज भी लीगल है। ये वीड पहुंचेगी ईस्ट कोस्ट के करीब या फिर मिडवेस्ट, इलिनॉय, विस्कॉन्सन या फ्लोरिडा। ड्रग्स को कैलिफोर्निया से कार में पूरे देश से होते हुए आगे ले जाया जा रहा था। ये हर जगह भेजी जाएगी, न्यूयॉर्क से लेकर अटलांटा तक। ड्रग्स को न्यू जर्सी ले जाया जा रहा था, न्यूयॉर्क, मायामी। वहाँ ये दोगुने या तिगुने दाम पर बिकती है। सबसे ज्यादा कमाई होती है दूसरे स्टेट्स के ब्लैक मार्केट में। कैलिफोर्निया में 450 ग्राम मैरिजुआना बिकती है 75,000 रुपए में। जिस भी जगह ये लीगल है हम इसे वहाँ भी भेजते हैं। अलबामा में तो 450 ग्राम का दाम पहुँच जाता है 2,60,000। और इसके ट्रांसपोर्ट का तरीका? जो भी तरीका आपके दिमाग में आए, एयर, मेल, ट्रेन, बस, म्यूल्स, आरवीज, एयरप्लेन्स में सामान लादने वाले लोगों की मदद से, किसी भी तरीके से। अगर ऊंट मिल जाए तो उनका भी इस्तेमाल कर लेते हैं। पर मुझे बताया गया कि जो लोग इस कारोबार के बड़े खिलाड़ी हैं वो ट्रक्स का इस्तेमाल करते हैं। पुलिस ने एक सेमी ट्रक से 230 किलोग्राम मैरिजुआना बरामद की। 60 बैगों में 27 किलोग्राम मैरिजुआना मिली। ड्रग स्निफिंग डॉग ने पुलिस को नारकोटिक्स के बक्सों तक पहुंचा दिया। इसको हम शिपिंग कंपनी के जरिए भेजते हैं। बड़े खिलाड़ी वीड को किसी और स्टेट भेजते हैं ट्रक्स के जरिए। दो हजार 2012 के बाद से रिक्रिएशनल मैरिजुआना एक के बाद दूसरे स्टेट में बैलेट बॉक्स के जरिए अप्रूवल हासिल कर दी गई है। अगर कैलिफोर्निया से कोई संकेत मिलता है तो तैयार हो जाइए, देश के जंगलों और पास वाले मकान में भी ये मुसीबत नजर आने वाली है। ब्लैक मार्केट का वजूद रहा है और हमेशा रहेगा। पर एक चीज तो तय लग रही है, जब तक अमेरिका पूरे देश में वीड को लीगलाइज नहीं कर देता, आउटलॉज का पलड़ा हमेशा भारी रहेगा। जब तक लीगल मार्केट हमें परेशान करता रहेगा, ब्लैक मार्केट की भी मौजूदगी बनी रहेगी। क्या आपको लगता था लीगलाइजेशन से हालात बदलेंगे? सच कहूं तो मुझे लगता था कि मैरिजुआना टीम की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके लिए अब कोई काम बचेगा ही नहीं। शेरिफ डिपार्टमेंट, सर्च वारंट।